दोस्तों मीठा खाने का मन करे तो फटाफट सूजी से बना लें। इसे बनाना बेहतर आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर बड़ा सा कढ़ाई रखेंगे, उसके बाद हम बड़ा वाला कप से एक कप पानी डालेंगे। अब उसी कप से एक कप चीनी डालेंगे। चीनी और पानी बराबर होना चाहिए। देखिए चीनी में उबाल आ गया है, इसी तरह चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम चीनी में उबाल आ जाने पर हम डालेंगे आधा स्पून इलायची पाउडर डालकर एक मिनट तक चलाते रहेंगे। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी में डालकर घोल बना लेंगे, तब चाशनी में डालकर एक मिनट तक हम चलाते रहेंगे। अब चाशनी गाढ़ा हो जाने पर अब चाशनी को उंगली से चेक करेंगे। चाशनी बन चुकी है, अब गैस को हम बंद कर देंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए तैयारी करेंगे। अब पैन में बड़ा वाला कप से एक कप पानी डालेंगे। अब इसके बाद एक दो स्पून घी डालकर पिघलने देंगे। पिघल जाने पर अब डालेंगे सूजी। सूजी पतली वाली सूजी है, मोटी वाली सूजी होगी तो आप मिक्सी जार में पीस लेना है। नहीं, गैस का फ्लेम कम करके सूजी को पकाना है। सूजी थोड़ी कड़ा हो गई है, अब गैस को हम बाउल में लेना है। बाउल में रख कर ठंडा कर लेना है। इसके बाद ढक्कन लगाकर 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। 10 मिनट हो चुका है, अब सूजी को मैश कर लेंगे कि सूजी सॉफ्ट हो। पर थोड़ा घी लगाते हुए रसगुल्ले शेप में गोल बनाकर तैयार कर लेना है। पूरे आटे से इसी तरह लोइया तैयार कर लेना है। तो आप गैस पर कढ़ाई रखेंगे, तेल गर्म हो जाने पर एक एक करके रसगुल्ले को डालकर हम फ्राई कर लेना है। गैस को कम करके रसगुल्ले को फ्राई करना है। रसगुल्ले का हल्का ब्राउन हो जाने पर उलट पुलट कर फ्राई कर लेना है। फ्राई हो जाने पर रसगुल्ले को तैयार किए गए गुलाब जामुन को चाशनी में डालते जाइए। गुलाब जामुन को करीबन 2 घंटे चाशनी में ही पड़े रहने दीजिए। जब चाशनी अंदर तक चली जाए तो इन्हें निकाल लें। ये बिल्कुल अंदर तक चाशनी सोख गया है।